और जनाब आश अब्दे शाम्स के औलाद तो जनाब हाशिम नु अल्लाह ने 12 बेटे अता किए। अरब ऐब गिणींदा है भाइयो, देखो मेरी शादी काई ना तो मेरा ध्यान है बे औलाद, यानी मौला तो दुश्मन बे औलाद रहे। अरब ताना जिस तरह नबी नु ताना देंगे भाई तू लावाल ते तेरी औलाद को ता अल्लाह फर सूरत कौसर नाजिल की इंदा तैनिकल कौसर। अगे मिसाल दिती है मैं 100 डॉलर तो की ना है जवेद इकबाल को मैं आखा भी मैं 108 दे मैं ये जग ले आवे मेरे रसूल अल्लाह आखिया मेरा अल्लाह आस बिन वायल काफिर मैं ताना दिता है कि तेरी औलाद कोई नहीं तू ला वाल दे ते अल्लाह पे तेना तेना कल कौसर मैं तेन हाउस कौसर था तजाता नहीं गाना गाले ज्यादा नहीं हो भाई नबी पैदे ने पैदे ने तेरी औलाद को अल्लाह पैदे में ते पानी का हाउस दिता इलाज से हाउस जे तो तर्जम कीता ने इदा इस सूरत च लफ्ज भी खाएन मलंग का कत्ल माफ है। भाई मंगिया जो मैं के बिला तशबीह नबी पे आता भी के काफिर है तेन तू लावाल दे तेरी औलाद को अल्लाह पे आता मैं तेन पानी का हौस दे नहीं अल्लाह नबी नु पे आता फिक्र न कर इन्ना आतैन कल कौसर मैंने तुझे बतूल अता के दी कौसर कुरान च बतूल का नाम है। कौसर यानी जारी औलाद का तेरी औलाद च रुकावट ना हो तेरा जो दुश्मन है वो बे औलाद रस बे नाम और निशान रस तो कोई आखे नबी के दुश्मन पे अमेरिका ले वो तो साथों चंगे पे रन दे उन्हां दी नस्ल वध दी पे ये भी अल्लाह है चैलेंज करके नबी नु वक्त दिता जदा तेरी शाही हो सी यानी 12वें दी शाही हो सी तो जो नबूवत के दुश्मन ने 12वां उन्हां दी नस्ल खत्म कर राजी बैठे हो मीर नवाज जी मार जी सवाल का मजर जी उन्हां दा अच्छा है बच्चिया भी पता लग ऐसी भी जो अब मीडिया के टीवी से जो वे वे नामवर गुरु घंटाल जाकिर पढ़ते हैं कोई यजीद चादर सट्टी पाक लैला तू मेरी प्रूफी दी बहुत अच्छा सवाल इनका तो लड़ते क्यों वे रोंदे क्यों वध्या जो हिको जया वह तू वो जाकिर ना यहूदिया नाल रल गया जेड़े आते पे आपस शहजादे की जंग हालांकि शजरा तैयबा और शजरा खबीसत रिश्तेदारी हो ही नहीं सकती हाँ अगर कोई शजरा खबीसत शजरा तैयबा च आईए रब उन औलाद ही नहीं देते अब्दे शम्स नू लोग ताना देंदे आ दो मसले आ लोग भी तेरी औलाद कोई नहीं हाशिम दी औलाद ओ ताने दे चलदे हुए अब्दे शम्स ने अकाज दे मेले तू मक्के बहुत वड्डा मेला लगदा
बौखर तो लैके बंद हर शह विक दिया। आकाश के मेले तो एक गुलाम खरीदे ने घोड़ा काला कुबड़ा जो नसा दिखाई जाए उस गुलाम का नाम अपने शम्स ने उमैया रखा। वह अब्दे शम्स से इंतकाल तो बाद अरब का रिवाज आ हर गुलाम यानी सीरी तुम सकेंगे थोड़ी जबान है उस वे गुलाम होंगे वो अपने मालिक नू आता है अब्बा। जिस तरह हजरत जैद नबी पाक के गुलाम आए जैद ना ही सदेंदा उतले बंदे ने जाके लग गया नबी के बूहे ते आके आख्या ने ओ जैद का अब्बा खबरदार तुम उम्मतियों में से मोहम्मद किसी का बाप नहीं। सिर्फ बतूल का बाप है। राजी बैठे हो? राजी बैठे हो? ओ अब्बा सदेंदा ही अब्दे शाम से ओ मैं इन्ना तरीके इस्लाम में लिख दिते हमें भाई अब्दे शाम से आशिक दिया अंगूठे या पेशानी ना अंगूठा या पैर का अंगूठा जनाबे आशिक दा अब्दे शाम की पेशानी ना वो तलवार ना जुदा की तो उसले रजू भी बैठे उन्होंने आख्या भाई इस खानदान है जिन्हें दो नस्ल है खून रेस दी जाती है बिल्कुल गलत कोई गल नहीं। अब्द शम्स के औलाद ही कोई जनाब आशिक पढ़ो हिस्ट्री वो अब्बा अब्बा आता ही अब्द शम्स के इंतकाल हो गए इसने वक्त दावा कर दिता जायदाद का भी मैं वारिस हाँ मैं अब्द शम्स का बेटा हूँ और तवज्जो है तो मलंग अजीम जुमला दे रहे हैं जदा निका बंदा वड्डे दे हथी पंदा है अपनी शोहरत वास्ते बेर मशहूरी उस दावा कर दिता मैं अपने शम्स का बेटा उस लड़ाई शुरू कर दी वे लड़ा कई दिन आ गए उस जनाब हाशिम नाल हाशिम की औलाद नाल लड़ना शुरू कर उमैया का बेटा है हारब हारब का बेटा है अबू सुफियान अबू सुफियान का बेटा है माविया माविया का बेटा है यजीद यजीद का बेटा है माविया सानी जिन्हों हार मातमी उसकी कबर में सलाम करेगा ते अल्लाह के आखे इन्ना आता है ना कल कौसर अये नबी न परेशान हो मैं तेरी औलाद जारी कर देती अजे तक गल की समझ नहीं आई कुछ लोगों को यानी अगर ये खानदान होंगे हाशमी होंगे अब्दे मनाफ के होंगे जनाबे कुसई के होंगे जनाबे नजर के होंगे मजर के होंगे कनाना के होंगे किलाब के होंगे अल्लाह पे आता है मोहम्मद तेरी नस्ल क्यामत तक जारी कर दीती है अगर इस नस्ल चाहते ये छेवीं पीढ़ी खत्म हो जाए मोहम्मद का बारवा आज भी पर्दा है। नबी की नस्ल अल्लाह ने क़यामत तक इब्ने अब्बास पूछता या रसूल अल्लाह भाई वो जाते तो हो ना भाई मैं रट के आवां तो तुहानू सुना जो कुछ मैनू दा तुहाडी दुआई दा असर हुण तक वसे भी हो मेरा कोट फाट के मैं पढ़ सकदा क्योंकि मैं मुर्शिद की खिदमत कीती है जाकरी गुंडा मैंने दिखती है मगर उस जाकरी की इजाजत है जिससे पाक बतूल राजी है दूसरी की इजाजत है अगर दूसरी की इजाजत होती तो मैं दसा
मेरी बात को पढ़ सकता या नहीं पढ़ सकता, वो करनी नहीं जिसके पास मदद लादरी वो ही करनी है जिसके मुर्शिद राजी है। तवज्जो है ना, एक नस्ल क़यामत तक जारी है साहब। बारहवीं निशाही उसी मुस्तफा तख्त नबी बहाया हुआ सी, पूरे जहान ते सैयद निशाही उसी उस जिबली ने सूरत पढ़सी इन्ना तैना कल का सर वे नबी अल्लाह आपसी तेरी औलाद दी आज भी शाही है, तेरे दुश्मन दी नस्ल खत्म हो गई। एक कोई रिश्तेदार नहीं, नाले नबी का भावे रिश्तेदार ही सखा हो गया, जिस नबी नहीं मने उस ते लाना। सारे दुआ करो मां मरहूम इरशाद हुसैन दे मालिक दर्जात मौलंदा ही पाका ना वो अपनी लागे मंजर ते मौलंदा फरमान जितने तक मोमिन ने मुकम्मल गुना माफ न होवे मलकल मौत दी ताकत ही नहीं किसे बंदे दी रूह काबज कर। इन्हें बोलो पता नहीं उस जात को तू पसंद है या नहीं, मैं छड़ दे तकबर छड़ दे इस चौखट तक झुक जाओ, क्योंकि उस आदिल ने अपना निजाम आदिल के हाथ च दिता है, जालिम के हाथ च नहीं दिता। अल्लाह फरमाए मैं भी आदिल जिसनों कंट्रोलर बनाया दीन का शरीयत का गलियात ने कुरान का इमाम भी आदिल, अल्लाह आदिल नबी आदिल इमाम आदिल ना अल्लाह जालिम है। अल्लाह फिरौन को जाके निमरूद की लत बंद नहीं कर, टुकर बंद कर ले, उन्होंने देर देते शैतान की गर्दन ते लत रख के अल्लाह सजदा करवा सकता है, मगर नहीं सुकर आया। अल्लाह ना चाहता कि आदम को सजदा ना हो, अल्लाह चाहता है आदम को सजदा होवे बिल जबर ना होवे, जुल्म ना हो। अगर गर्दन ते लत रख के सजदा करवा दे शैतान ही तदा चाह के आता और वेखो ना बस नहीं सुन चलिया तो जुल्म नाल सजदा करवा ले। इतने उधर काम का कोई नहीं शैतान का, क्योंकि जिते मजलिस से हुसैन बादशाह दी होए शैतान तीन तीन मील अपनिया फौजी चौकियां पटा लेंदा भाई निकल जाओ, अजे मजलिस का ऐलान होंदा वो अपने फौजियों का आता सिपाहियों का निकल जाओ त्रै त्रै मील, वो आते आप साड़ी ड्यूटी लाई है इस गली तू वरगला उसे तू वरगला उस जल्दी नस जाओ, इतने आता पे हुसैन का जिक्र इतने उड़न मलंग कट्ठे इन्ना कौन लाना ताला वो ग्रनेड है जेड़ा अल्लाह अर्श तो सटिया। नहीं करो नबी भी कुछ नहीं है अपना दुश्मन, अली बादशाह भी अपने दुश्मन कुछ नहीं, क्योंकि उसकी अदालत लैके आया त्रै मरतबा एक बंदे बैयत की मौला अली ने, अभी तक घबरा तो नहीं, त्री बारी बैयत करके जा रहे मौला फरमाया कंबर ये मेरा कातिल जा रहा, जनाबे कंबर ने तलवार चाह मौला तब सर कलम करे मौला फरमाए क्यों तुसा नहीं फरमाया मेरा कातिल, मौला फरमाया इसको ही अजे मैंने कतल किया, मौला तुहाडी पाक जबान च निकले, मौला फरमाए नहीं लफ समझिया है आरिफ बंदा वो जिहड़ा है जुमला समझे, मैं वेखा केड़े केड़े चेहरे मार्फत आले, मौला अली फरमाते कंबर अगर मकतूल कतल होवन आला अपने कतल तो पहले कातिल नु सजा दे देवे अल्लाह दी फितरत बदल जा सके, मैं वो अली हाँ जिहड़ा अल्लाह दी फितरत का भी मुहाफ।
ਹੈਗਾ। ਇਮਾਮ ਆਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੀਨ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿਲ ਇਮਾਮ चढ़ के नबी की कबर के सामने नबी अली डाची ते सवार होके तौहीद ते खुतबा दिता और मदीने वाले नु हुसैन आते खले मैं दीन का मुहाफिज हाँ मैं दीन नु मदीने वाले नु बेवारिस छोड़ के नहीं जा रहा मैं दीन दी मसनत ते अपनी धी सुगरा नु बहा के जा रहा। जिस कोई दीन का मसला पूछना हो तो दरवाजा डेजी ते आ जाए। अहले सुन्नत दे आलिम है जिन्हें तारीख अरब लिखी बहुत बड़ा जुमला उन्होंने हिस्ट्री च लिख दिता वादे ने हुसैन बादशाह की फकीर दी आई इस घर का बच्चा भी फकीर बच्चे अली जिद नहीं करते। सुन्नी आलिम पे लिखता है इमाम हुसैन का छह महीने का सफर आए मक्के जिहड़ा तौहीद ते खुतबे देते रहे उन्हें छह महीनों के अरसे हुसैन की सात साल की धी 40,000 फतवा दिता। मातमी मौलद आता छोटी बतूल है छोटा बड़ा साड़ी जबान है छोटे ही बड़े ने बड़े ही बड़े ने अव्वल ना मुहम्मद है ये जिवे सारे मुहम्मद हैं इस घर दिया सारिया बतूल है 40,000 फतवा हुसैन की दी दी नबी दे नवासे ने फरमाया मैं दीन की मसनत ते अपनी बेटी नु बहा के जा रहा। देखो ना गल हुई फजाइल इमाम आदिल होंदे दो साल दी हाई मेरी पाक सैन जे सकी मां दा इंतकाल होया सैन उम्मे इसहाक अब्दुल्ला तमीमी दी बेटी है जिन्ना सीनियर जिगर है अज वो दो जुमले तो सुनाई उस वफात जुमले सुनाई तो उस बतूल दी वफात जेड़ी भिरा दी कंड वेख के फौरन बुढ़ी हो गई। मालिक दो साल दे हैं सकी मां का इंतकाल आखिरी टाइम आई।